दोस्तों, इस साल जो एप्पल की आईफोन 13 सीरीज है उसके सितंबर में लॉन्च होने के रूमर्स आ रहे हैं और हमें अब की बार भी इस आईफोन 13 सीरीज में चार ही मॉडल देखने को मिलेंगे, जैसे हमें आईफोन 12 सीरीज में देखने को मिले थे आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स। और दोस्तों, इस सप्ताह इस आईफोन 13 सीरीज का जो सबसे बड़ा लीक आया वो इसकी बैटरी डिटेल्स है। तो दोस्तों, आइस यूनिवर्स के मुताबिक अब की बार जो आईफोन 13 सीरीज का सबसे टॉप मॉडल होने वाला आईफोन 13 प्रो मैक्स, उसमें हमें 4352 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो दोस्तों पिछले साल के जो आईफोन्स थे उनके मुकाबले काफी ज्यादा है। और ये एक जो पीछे लीक निकल के आया था कि अब के बार जो आईफोन 13 होगा वो साइज में आईफोन 12 के मुकाबले ज्यादा मोटा होगा, उससे भी काफी हद तक से साबित कर देता है, क्योंकि अब की बार इस आईफोन 13 के अंदर एक हैवियर बैटरी होने वाली है। और दोस्तों, आइस यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि इस आईफोन 13 सीरीज में जो हायर वेरियंट होंगे आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स, उनमें हमें एक 120Hz के रिफ्रेश रेट वाली LTPO डिस्प्ले देखने को मिलेगी और इसमें जो यूजर्स हैं वो रिफ्रेश रेट को 10Hz से 120Hz के बीच में कहीं पर भी सेट कर सकते हैं, जबकि इस आईफोन 13 सीरीज के जो लोअर वेरिएंट होंगे आईफोन 13 मिनी और आईफोन 13 प्रो, उसमें आपको रिफ्रेश रेट सेट करने के सिर्फ दो ही ऑप्शन मिलेंगे, 60Hz या 120Hz। और दोस्तों, इस आने वाली आईफोन 13 सीरीज की जो डिस्प्ले है उसको दो कंपनियां बना रही है, आईफोन 13 मिनी और आईफोन 13 प्रो के लिए तो LG डिस्प्ले बना रही है, जबकि आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स होगा उसकी डिस्प्ले सैमसंग बना रही है। और दोस्तों, डिजिटल चैट स्टेशन ने आईफोन 13 प्रो, आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी की बैटरी कैपेसिटी शेयर की है। तो दोस्तों, जो आईफोन 13 प्रो होगा उसमें हमें 4352 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और जो आईफोन 13 होगा उसमें हमें 3095 mAh की, और जो आईफोन 13 मिनी होगा उसमें हमें 2406 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। और दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ये भी रूमर्स आ रहे हैं कि अब की बार जो आईफोन 13 होगा उसमें हमें आईफोन 12 के मुकाबले एक छोटी नोज देखने को मिलेगी और जो ईयर पीस है उसको भी एप्पल ने ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। और दोस्तों, आज हमारे पास जो आईफोन 13 है उसके रेंडर्स भी आ गए हैं जो जोन प्रोसेसर ने शेयर किए हैं। तो दोस्तों, इन रेंडर्स में जो इस आईफोन 13 की डिजाइन दिखाई दे रही है उसकी बात करें तो इसका जो फ्रंट है वो देखने में तो सेम जो आईफोन 12 है वैसा ही दिखाई दे रहा है, सिर्फ इसकी ऊपर जो नोच है वो छोटी है, पर इसमें जो चेंज हुआ वो इसके बैक में हुआ। दोस्तों, जो आईफोन 12 था उसमें हमें बैक में जो कैमरा सेंसर थे वो एक दूसरे के ऊपर नीचे देखने को मिलते थे, पर हमें इस आईफोन 13 में जो कैमरा सेंसर्स हैं वो डायगोनली देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ।